हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वोडाफोन और आइडिया बन चुके हैं एक न्यू ब्रांड जिसका नाम है वी आई। जैसे कि एयरटेल है, जियो है, उसी तरह वोडाफोन और आइडिया ने कोलैबोरेशन कर लिया है और वो एक न्यू ब्रांड बन के आया है हमारे सामने जिसका नाम है वी आई। अगर आपके पास वोडाफोन या एयरटेल की सिम है तो क्या प्लान में चेंजेस होने वाले हैं, साथ ही साथ फ्यूचर में टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, फ्यूचर प्लान क्या होने वाले हैं, हम पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक के पूरी देखें। वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग ब्रांड थे, दोनों काफी स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि दोनों कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोन था। जियो के आने के बाद इनका स्ट्रगल काफी ज्यादा बढ़ गया था। दोनों के टावर्स अलग थे, दोनों के एप्स अलग थे, दोनों की सिम अलग थे, दोनों के सर्विस स्टेशन अलग थे, सब अलग अलग था। लेकिन 2018 में इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया था, दोनों साथ में आ गए थे, लेकिन फिर भी इनका जो ब्रांड था वो भी अलग था। लेकिन इस टाइम पर 2020 में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, वोडाफोन और आइडिया साथ में मर्ज हो गए हैं और उसका नाम है वी आई। तो आप जो भी वोडाफोन या आइडिया की सेपरेट ऐप यूज करते थे वो सब अभी सेम होने वाला। फाइनली इन्होंने सब मिलाकर एक ब्रांड बना लिया है जिसका नाम है वी आई। अगर आप वोडाफोन सर्च करते हैं, वोडाफोन की इंडिया की वेबसाइट्स पर जाते हैं तो आपके सामने सेम पेज खुलने वाला है, वो आपको वोडाफोन आइडिया वी आई के पेज पर लैंड कर देगा दोस्तों। वैसे ही हम अगर आइडिया की वेबसाइट खोलते हैं तो आइडिया में भी हमें सेम देखने को मिल जाता है दोस्तों, वो हमें रीडायरेक्ट कर लेते हैं वी आई के पेज पर। दोस्तों आपको बहुत सारी एड्स दिख ही रही होंगी यूट्यूब पर, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे एड दिख जाती है, पहले ही एड आ जाती है वोडाफोन आइडिया की। तो बहुत ज्यादा प्रमोशन चल रहा है इस चीज का, वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर एक ब्रांड बन चुका है दोस्तों जिसका नाम है वी आई। अगर आपके पास कोई सिम होंगी वोडाफोन या आइडिया में से तो वो थोड़े दिनों बाद उस पर भी वी आई लिखकर आ जाएंगे, जैसे ऑपरेटर में लिख के आता है ना नेटवर्क के साइड में वोडाफोन आइडिया फिर नेटवर्क दिखता है हमें, तो उस तरह से वो वी आई लिख के आने वाला है फ्यूचर में। साथ ही साथ आप अगर कोई न्यू सिम इशू करते हो तो वो भी वी आई के नाम से ही आएंगी और दोनों का नेटवर्क मिला के एक नेटवर्क बनने वाला है दोस्तों। जैसे आप वेबसाइट्स पर जाते हो, जैसे वोडाफोन की सेपरेट वेबसाइट होती है, आइडिया की सेपरेट वेबसाइट होती है रिचार्ज करने के लिए, अभी वी आई हमें बहुत सारे एप्स प्रोवाइड करेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स जो भी प्रोवाइड करने वाला है, एक कॉमन वेबसाइट्स प्रोवाइड करने वाला है वोडाफोन और आइडिया के मिला के, वहां से हम बिल पेमेंट, रिचार्ज, न्यू कनेक्शन, इंटरनेशनल रोमिंग सब कुछ कर सकते हैं एक ही वेबसाइट से। तो आप देख सकते हैं अगर ये जो वेबसाइट है, बाय पोस्टपेड, बाय प्रीपेड, जो भी सब कुछ करना है आपको इसी वेबसाइट, कॉमन वेबसाइट से होने वाला है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिख के आ रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इज आदित्य बिल्डर ग्रुप एंड वोडाफोन ग्रुप पार्टनरशिप। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म की पार्टनरशिप हो गई है, दोनों कंपनी ने कोलैबोरेट कर ली। जिस समय जियो लॉन्च हुआ था उस समय मार्केट में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिल गए थे क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा अचानक से कम कर दिया गया था। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, उनके मार्केट टोटली बंद हो गए थे। वोडाफोन और आइडिया पे 40 करोड़ के यूजर जो थे वो 28 करोड़ में बदल गए थे, बहुत सारा नुकसान हो गया था वोडाफोन। रिसेंटली हमें न्यूज देखने मिल रही है कि वोडाफोन और आइडिया को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है फ्रॉम अमेजोन एंड बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज हो जाती है क्योंकि वोडाफोन और आइडिया इस ब्रांड पर जो लोन लगे हैं वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हट जाएंगे। बहुत सारी चीजें हमें न्यू चीजें देखने मिलेंगी, जैसे कि आपको पता है जियो के बहुत सारे ब्रांड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है जियो के साथ, जियो को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं ब्रांड्स। तो इसी तरह से अमेजोन जो ब्रांड है वो वोडाफोन आइडिया को प्रमोट करने वाला है, तो इस तरह से वोडाफोन और आइडिया को उभरने में बहुत ज्यादा हेल्प। अब एज अ कस्टमर हमें तीन मेजर टेलीकॉम इंडस्ट्री देखने मिल जाती है, एक वी आई हो गया, एक जियो हो गया, एक एयरटेल हो गया। बहुत सारे यूजर्स तो जियो की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, उनका जो माई जियो ऐप है उस पर 100 मिलियन प्लस डाउनलोड आ चुके हैं दोस्तों। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा टेलीकॉम चूज करते हो, आपको वी आई की तरफ शिफ्ट होना है या जियो और एयरटेल ही आप यूज करते रहोगे रेगुलर बेसिस। कुछ दिनों पहले एयरटेल ने ऐसा अनाउंस किया था कि वो अपने प्लान इंक्रीज कर देंगे, 100 रुपीज पर जीबी प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो वो अकेले नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके सारे कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे जियो या एयरटेल की तरफ। तो सभी कंपनी मिलके साथ में डिसीजन लेंगी और उस तरह से मिलके करेंगे। अभी जो रेट हमें मिल रहा है, जो प्राइस पॉइंट पे हमें चार्जेस मिल रहे हैं, नेट पैक जो मिल रहा है वो काफी सस्ता मिल रहा है, काफी चीप मिल रहा है। कुछ दिनों बाद पक्के से इसके प्राइस हाइक होने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्राइस हाइक होने वाले हैं। अभी कुछ दिनों में 5G लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो जियो को तो टेंशन नहीं है, जियो के जो लाइंस है वो पहले से ही अपडेटेड है 5G के लिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हम जो भी बोला जाए, जियो को ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल को बहुत ज्यादा
इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, उस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो साइट्स है, सर्विसेज है, वो 5G के लिए अपडेटेड नहीं है, तो उन्हें इस चीज में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, अमेजोन हेल्प करने वाला है वोडाफोन आइडिया को, तो वो बहुत अच्छी हेल्प हो जाए। प्राइस पॉइंट पर हमें जो भी देखने मिल रहे हैं, जो भी हमें रिचार्जेस करने पड़ रहे हैं, वो बहुत सस्ते हैं। थोड़े टाइम में वो महंगे होने ही वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि सभी कंपनीज को अपना एजीआर पे करना है, लोन पे करना है, तो बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं वो। अभी 50,000 करोड़ का समथिंग वोडाफोन और आइडिया पे लोन है, तो ये पे करने के लिए वो अपने प्राइस हाइक करेंगे ही थोड़े टाइम पे। तो आपको क्या लगता है, इन कंपनी ने अपने प्राइसेस हाइक करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या इस टाइम पे जो है वो परफेक्ट है, या और प्राइस कम होने चाहिए? आपको ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। और अगर प्राइस हाइक हो जाते हैं तो आप क्या ब्रॉडबैंड पे शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, ये चीज भी आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।